इस मूवी का नाम है राजा हिंदुस्तानी। ये मूवी 15 नवंबर 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं धर्मेंद्र दर्शन। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अली मोरानी, करीम मोरानी और बंटी सुरामा। इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं धर्मेश दर्शन और जावेद सिद्दीकी। ये मूवी 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। ये एक छोटे शहर के कैब ड्राइवर की कहानी बताती है, जिसे एक अमीर युवती से प्यार हो जाता है। इस मूवी में आमिर खान और करिश्मा कपूर ने मुख्य भूमिकाएं निभाई है। इस फिल्म की स्टोरी 1965 की फिल्म जब जब फूल खिले से प्रेरित था, जिसमें शशि कपूर और नंदा ने अभिनय किया था। इस फिल्म का संगीत नदीम शरावण ने तैयार किया था, जिसके बोल समीर ने लिखे थे। इस मूवी ने 5 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ संगीत और 7 स्क्रीन पुरस्कार शामिल हैं। इस मूवी का बजट था 5.75 करोड़। बॉक्स ऑफिस ने इस मूवी ने कमाई की थी 76.34 करोड़। राजा हिंदुस्तानी शुद्ध कमाई के मामले में 1990 के दशक की तीसरी सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से सफल हिंदी फिल्म थी। ये फिल्म साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है के बाद 1990 के दशक में भारत में चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म का संगीत लोकप्रिय और पूरे भारत में सफल रहा और नदीम शरावण को फिल्म के लिए उनका 4th फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। करिश्मा कपूर के करियर के लिए ये एक बड़ा मोड़ था। फिल्म को 2002 में नानू नानी के रूप में कन्नड़ में बनाया गया था और इसके बाद तेलुगु में प्रेमा बंधम के रूप में डब किया गया था। इस मूवी की मुख्य अभिनेत्री के रूप में जूही चावला, पूजा भट्ट और ऐश्वर्या राय भी उन अभिनेत्रियों में शामिल थी जिन्हें इस भूमिका के लिए चुना गया था। पालन खेत फिल्म के लिए बनाया गया था, एक काल्पनिक स्थान था। इस मूवी के सभी गाने सुपर डुपर हिट हैं।